हाय टू ऑल, कैसे हो तुम लोग एंड वेलकम बैक टू क्लैरिफाई नॉलेज। एंड टुडे विद अस इज गर्वित पहवा, हु हैव स्कोर्ड 96.2% इन हिज बोर्ड एग्जाम्स ऑफ ICSE 2022। तो यहां पर हम लोग जान रहे होंगे दैट हाउ ही हैव स्कोर्ड सच अ बिग स्कोर इन हिज 10th बोर्ड एग्जाम्स, और यहां पर हम लोग जानेंगे कि कैसे उसने पूरी अपनी प्रिपरेशन करी थी, व्हाट आर द गोल्डन टिप्स दैट ही कैन जस्ट गिव यू। और साथों साथ यार मैं तुमको बता दूं दैट देयर इज अ सीरीज गोइंग ऑन क्लैरिफाई नॉलेज, जहां पर हम ऐसे ही टॉपर्स को लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो तुम यहाँ से जान सकते हो, बहुत सारे टॉपर्स के थ्रू समझ सकते हो दैट हाउ यू शुड लाइक स्टडी इन योर क्लास 10। और ये तुम्हारी जो 10 से 12 मिनट की इन्वेस्टमेंट होगी इस एक पॉडकास्ट में, दिस विल हेल्प यू अलॉट टू ग्रो यू एज अ स्टूडेंट एंड टू ग्रो योर मार्क्स, ठीक है। ऑब्वियसली क्योंकि तुम यहाँ पर से टॉपर्स से डायरेक्टली समझ रहे होगे कि उन्होंने कैसे पढ़ाई की है, ठीक है। तो लाइक ऑल अप टू यू गर्वित नाउ, तो बता सकते हो भाई आप अपने बारे में थोड़ा। भैया मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हूँ, मेरी क्लास 10th बोर्ड में 96.2% आया और मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था। और अभी अभी मैं अपना स्कूल चेंज किया हूँ CBSE में, लेकिन मुझे ICSE का भी बहुत फ़ायदा मिल रहा है। जैसा कि आपको बताइए कि ICSE में हमेशा से ही ऐसा थोड़ा टफ रहता है CBSE बोर्ड से, तो थोड़ा सा मैंने इसीलिए उसका फ़ायदा मिल रहा है। और ऑब्वियसली ICSE बोर्ड टफ होता है, लेकिन मेहनत करने से सब हो जाता है। राइट। सो बेसिकली माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि अब देखो यार, जैसे कि तुम एक डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो, सो बीइंग एज अ डिस्ट्रिक्ट टॉपर तुमने अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कब किया था? भैया मैंने स्टार्ट तो शुरू से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा था, मतलब एक दो घंटा, मतलब जब कोरोना वाले टाइम था तब भी, लेकिन एंड में जब बोर्ड एग्जाम सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 हुआ, तब जब अगस्त यानी नवंबर में सब बोर्ड एग्जाम हो रहे थे, तब एक महीना पहले मैंने अच्छे से पढ़ना चालू कर दिया था, मतलब रिवीजन बढ़िया से चालू कर दिया और जाने 3 से 4 घंटे रोज लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़ा। ओके कूल। तो लाइक कैन यू, जैसे कि तुमने अभी बताया कि 3 से 4 घंटे आप डेली बेसिस पे पढ़ रहे थे, सो कैन यू प्लीज जस्ट टेल अस अबाउट योर डे रूटीन, कि उस समय पर आपका डे रूटीन क्या था? भैया मैं सुबह उठता था, वही डेली क्लास रूटीन जो होता था स्कूल का, और 3-4 घंटे क्लास चलती थी, फिर नहा हुआ के फिर मैं पढ़ने बैठ जाता था और एक घंटा दो घंटे की सिटिंग दे देता था, फिर मैं खाना खाता था, उसके बाद दोपहर को थोड़ा सा पढ़ लेता था 1 घंटा करीब, उसके बाद शाम को मैं रोज़ खेलने जाता था 2 घंटा करीब, और फिर रात को फिर वही खाना खा के थोड़ा सा पढ़ लेता था। ओके कूल। So yes, there would be once something. I just wanna ask you तुम किसी offline institute से पढ़ते थे या फिर online ही totally dependent थे? What would be your tip to the ICSE 2023 and upcoming batches के उनको offline institute में जाना भी चाहिए या फिर online is enough? नहीं भैया, मैं तो online ही पढ़ता था, offline का उस समय वैसे भी situation नहीं थी, और वैसे भी ऑनलाइन इज़ द बेस्ट मोड आई सजेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नॉट ओनली फॉर क्लास 10th, इवन फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आई से। हाउएवर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर IIT, आई एम ऑल्सो टेकिंग कोचिंग ऑनलाइन, बट दैट्स अ नेसेसरी थिंग विच वी वॉन्ट, एंड यूट्यूब इज इनफ फॉर एनीथिंग आई थिंक। तो भैया मेरे तो यही सजेशन रहेगा कि यूट्यूब से ही पढ़ाई करें और ऑफलाइन कोचिंग ना जाएँ, क्योंकि यूट्यूब पे इतना सब कुछ अवेलेबल है कि ऑफलाइन कोचिंग जाने के सब का रिक्वायरमेंट नहीं है। राइट। सो लाइक माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी दैट इफ देयर इज लाइक व्हाट इज द हेल्प दैट यू हैव टेकन फ्रॉम क्लैरिफाई नॉलेज इफ देयर इज। भैया मैं सही बताऊँ तो मतलब सिलेबस कंप्लीट करने के लिए मैं आपका खाली SST और ज्योग्राफी, मतलब SST बोल रहा हूँ, ज्योग्राफी और हिस्ट्री सिविक्स का देखता था, और जब रिवीजन का टाइम होता था मैं सारे सब्जेक्ट अच्छे से देखता था क्योंकि क्विक रिवीजन मिल जाता था और थोड़ा मतलब बोर भी नहीं होते थे, थोड़ा आप अच्छे से पढ़ाते थे। राइट। तो लाइक व्हाट वुड बी दैट वन स्पेशल टिप दैट यू विल जस्ट गिव टू अदर स्टूडेंट्स व्हिच आर राइट देयर कि कैसे लाइक यू हैव स्कोर्ड 96.2%, जो कि बहुत सारे बच्चों का एक टारगेट होता है, गोल होता है, राइट? अगर 3 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं तो 2 लाख बच्चे यही एक गोल सेट करके बैठते हैं। सो व्हाट वुड बी दैट वन स्पेशल टिप जिसके थ्रू वो इस गोल को जिसको लाइक तुमने अचीव कर दिया है वो भी अचीव कर सकते हैं? मैं ये टिप तो पहले ही बता दिया मैंने कि कंसिस्टेंट रहना, बस कंसिस्टेंसी। अगर 3-4 घंटे में पढ़ लिया खाली 1 महीने के लिए तो भी आराम से 96% आते हैं 10th में, कोई इतना
मतलब हवा बना रखे हैं बस ये लोग, हाँ बहुत हार्ड नहीं होता, बस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, 3-4 घंटे में आराम से निकल जाता है। लाइक इफ दे आर स्टार्टिंग फॉर 1 hour लाइक 3 to 4 hours लेट्स से फॉर जस्ट 2 months, बहुत से बहुत है ना 2 महीने भी पढ़ दिया तो भी दे कैन जस्ट बहुत स्कोर 95 to 98% या फिर जो भी वो चाहते हैं जितना भी परसेंटेज वो चाहते हैं वो आ सकता है ना आराम से। बस वो 3-4 घंटे में पूरी डेडिकेशन से पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ भी नहीं सोच रहे इधर उधर की बातें, राइट और राइट। फोन से तो बिल्कुल दूर रहना है। अच्छा इन समय इस समय के बीच में दे इस शुड समय जस्ट के स्टे बीच अवे फ्रॉम द फोन, राइट। यस मतलब दिस देयर इज वन मोर क्वेश्चन आई एम एडिंग इट राइट नाउ कि ये जो एक समय जहाँ पर दे आर बीइंग कंसिस्टेंट, क्या वहाँ पर सोशल मीडिया से दूर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, मैं वही तो बोल रहा हूँ, फोन से दूर रहना, क्योंकि सोशल मीडिया जब आप अपने पास फोन रखते हो मतलब फॉर एग्जांपल, तो अगर उस पर नोटिफिकेशन आएगा तो आप कितना भी सोच लो ये ह्यूमन ब्रेन की टेंडेंसी है कि वो उस फोन को उठा के वो मैसेज चेक करेगा, और अगर आपने एक बार उसको चेक कर लिया तो हो सकता है कि आप किसी और जगह पर चले जाओ, जैसे यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखना चालू कर दो, जिसमें आपका बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, और वहीं आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो सकती है। राइट राइट राइट। सो दे शुड जस्ट स्टे अवे फ्रॉम द फोन उस समय के लिए जहाँ पर वो 3 से 4 घंटे पढ़ रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि जब अगर वो फोन के थ्रू ही पढ़ रहे हैं, या तो आपके पास लैपटॉप हो, राइट लैपटॉप है तो फिर मस्त है, लाइक उसमें नोटिफिकेशन वाला कोई झमेला नहीं है, इफ़ यू जस्ट वांट टू स्टडी तुम पढ़ सकते हो, बट इफ़ दे आर यूजिंग देयर फोन आप DND लगा लो, आप नोटिफिकेशन ऑफ कर दो उस समय के लिए, आप लाइक DND लगा सकते हो, सबसे बेस्ट चीज़ आप डू नॉट डिस्टर्ब मोड में फोन को सेट करो, आराम से अपने स्टडी मोड को एनेबल करके पढ़ाई कर लो, राइट। ओके कूल, सो दैट्स ऑल फॉर दिस कन्वर्सेशन यार। अभी यहाँ पर जो है ना वी हैव इंटरेक्टेड विद गर्वित महवा, एंड आई होप सो तुम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा फ्रॉम हिम, ठीक है, एंड तुम शायद लाइक आई होप सो तुम ये सारी की सारी चीज़ों को जो है इम्प्लीमेंट कर रहे होगे अब, ठीक है, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस कन्वर्सेशन, एंड अब रखते हैं इस वाले वीडियो में यार इतना ही, मिलते तुम्हारे और कुछ टॉपर्स के इंटरव्यूज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, सीखे।